आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको शर्ट साइज सिस्टम और शर्ट साइज क्लास क्या होती है अमेजोन के प्रोडक्ट लिस्टिंग में वो बताऊंगा। देखिए, अगर आप कभी भी अमेजोन पे कोई शर्ट या टी शर्ट लिस्ट कर रहे हैं, चाहे मेल की हो या फीमेल की हो, तो उसमें लिस्टिंग में एक कंपलसरी चीज़ आती है, वो होता है शर्ट साइज क्लास। अगर आप इसको फिल नहीं करेंगे तो आपकी लिस्टिंग नहीं हो पाएगी। आप देख सकते हैं ना, स्टार वाली फील्ड है। तो आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्या होता है, उसको कैसे फिल करते हैं। ठीक है, देखिए, जब भी आप भी शर्ट साइज क्लास जो होगा, आपको टी शर्ट में भी ये ऑप्शन मिलेगा और शर्ट में भी मिलेगा। तो उसमें ये होता है, जब भी आप इस पर क्लिक करेंगे, आप उसमें तीन चीज़ें दिखेंगी। एक होता है अल्फा, एक एज और एक न्यूमेरिक। अब ये अल्फा, एज और न्यूमेरिक का क्या मतलब है? देखिए, अल्फा का मतलब ये होता है कि जब भी आपको अपना शर्ट का साइज़ ऐसे मेंशन करना है लिस्टिंग में, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, एक्स्ट्रा लार्ज, तब हम चुनते हैं अल्फा। जब आपको अपनी एज के हिसाब से साइज़ को मेंशन करना है कि इतने से इतने साल के इंसान के लिए है, तब एज चुनते हैं। और न्यूमेरिक हम चुनते हैं जब हमें इस तरीके के साइज़ मेंशन करना होता है, मतलब कि 32, 34, 36, 38, इस तरीके से। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मैं जो भी टी शर्ट लिस्ट करूँगा तो मुझे इसमें ऐसे साइज़ रखना है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज। तो मैं चुनूँगा अल्फ़ा, तो यहाँ मैं चुनूँगा अल्फ़ा, और साइज वैल्यू में यहाँ नीचे चुनूंगा इसके एम मीडियम, इस तरीके से। और अगर मुझे ये न्यूमेरिक्स में से लिखा होता है ना, कभी कभी आपने देखा होगा कपड़ों के पीछे 40 नंबर की शर्ट है, 38 नंबर की है, तो उसके लिए आपको अल्फा की जगह चुनना होता है न्यूमेरिक, और यहाँ पे आपको उस हिसाब से चुनना होता है या न्यूमेरिक्स में। इसको डिलीट करना पड़ेगा। हाँ, ये जैसे 40 नंबर की है शर्ट, ठीक है, या फिर 1 सेकेंड, 38 की है, तो इस तरीके से। तो ये जो शर्ट साइज़ क्लास होता है कंपलसरी होता है। ठीक है, इस तरीके से मैं और भी वीडियोस बना के लिस्टिंग की आपकी जो समस्याएं दूर करूँगा। मेरे साथ बने रहिएगा। थैंक यू।